टिकट नहीं मिला भाग जाएंगे। अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिला, नहीं मिला होगा तो भाग। समाजवादी पार्टी को नहीं मिला होगा, वो तो पहले से थे अंदर अंदर से। अच्छा, को पूरी काम ही करते हैं ये लोग, जो जिस बीजेपी छोड़ कर जाते हैं करते मुकदमा दर्ज करिए, अंदर करिए। क्या अपर्णा ये परिवार बात की थी बहू, और आज भाजपा में चली गई तो शुद्ध हुई। और वही स्वामी प्रसाद भाजपा से निकल के चले आए, वही जब गिरफ्तारी वारंट निकला, स्वार्थ नहीं उसमें बना या उनका नहीं पटा तो वो अशुद्ध हो गए। ये कोई राजनीति नहीं, क्या है बताइए। ये कह रहे हैं कि अपर्णा यादव जब तक मुलायम सिंह के परिवार में थी तो परिवारवाद था, इस बार तो बीजेपी चली गई। आज बीजेपी हो गए, परिवार बात कर रहे हैं, अपने परिवार बात कर रहे हैं। क्या बताइए हमको, जो जिस बीजेपी छोड़ कर जाते हैं करते मुकदमा दर्ज करिए, अंदर करिए। क्या क्या है बताइए। अपर्णा यादव छोड़ के सपा भाजपा में आ गई, क्या कहेंगे सर? देखिए पार्टी को लेके उसके लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि पार्टी वाले जो है अपना करते हैं, उनका जो जैसा अच्छा है फैसला है सही है खराब है, तो उसके लिए हम पार्टी से नहीं बोल सकते। पार्टी जो है मुलायम सिंह की बहू जो है चाचा आ गई है भाजपा में, क्या कहेंगे? अरे तो भाई अपना अपना लोकतंत्र है, जहाँ जाए वहाँ जा सकती है, लेकिन अब की बार साकी सरकार बन रही है, बदलाव चाहिए, समाजवादी सरकार चाहिए, और हम लोग तो त्रस्त हो चुके हैं, जनता त्रस्त हो चुकी है। सरकार बन रही है। आपके घर के लोग चले गए बीजेपी में कहाँ पे? अरे लोकतंत्र कोई कहीं जाने से क्या होता है, टिकट नहीं मिला भाग जाएंगे। अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिला, नहीं मिला होगा तो भाग। समाजवादी पार्टी नहीं मिला होगा भैया, ये कह रहे कि अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में टिकट नहीं मिला तो भाजपा में चले गए। भाई सेनपुरी वाला काम है आप लोग का, चाहे कलकत्ता हो चाहे मुंबई हो, सेनपुरी वाला काम करते हैं, विकास तो नजर आता नहीं है। अच्छा, और क्या विकास को दिखा बताइए, क्या विकास हुआ है? अपर्णा यादव के छोड़ने से ये कह रहे हैं कि उनको सपा से टिकट नहीं मिला इसलिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। अपर्णा यादव के लिए कह रहे हैं, वो तो पहले से थे अंदर अंदर से। अच्छा, को सेनपुरी काम ही करते हैं ये लोग। अच्छा, तो आपके भी तो आ गए हैं 15-20 विधायक मंत्री आ गए सपा में, भाजपा में क्यों आ गए बताइए, क्यों आ गए? आप कह रहे हैं कि अपर्णा यादव को नहीं, आप कह रहे हैं कि अपर्णा यादव को सपा में टिकट नहीं मिला, सपा नहीं मिला। आप लोग सेनपुरी का काम करते हो, आप सिर्फ लालच देते हो, विकास नहीं करते हो, लालच काम नहीं चाहिए, विकास चाहिए जनता को, रोजगार चाहिए। अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिला सपा में भाई, का मालूम कहा ना मिले। पब्लिक इसी में खुश है, जनता को विकास चाहिए, विकास चाहिए, बदलाव चाहिए, जनता को विकास चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अपर्णा यादव कहने से फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपर्णा यादव का बीजेपी से कोई मतलब नहीं। पिछली बार भी 2017 में भी वो उन्होंने पार्टी के लिए विरोधी काम किया। चलिए फिलहाल जौनपुर से इतना ही। अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने पर लोगों ने कहा है कि उनको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो गई। नवा टाइम्स की चुनावी चर्चा में फिलहाल इतना।